हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखेंगे। वी विल सी ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री वन बाय वन। पर उसके पहले मुझे आपके वक्त में से एक मिनट चाहिए जस्ट इस चैनल के इंट्रोडक्शन के लिए। आप सब लोग देख रहे होंगे कि कभी मैंने इकोनॉमी पे वीडियो पोस्ट किया है, कभी पॉलिटी पे, कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स पे, तो कभी इंडियन हिस्ट्री पे। सो आप लोग कन्फ्यूज्ड हो रहे होंगे कि व्हाट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। लेट मी टेल यू, हमारे टीम का ये ड्रीम है, एक सपना है कि हमारा चैनल सबसे बेस्ट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बने। हमारी टीम के पास कंटेंट बहुत है पर टीम छोटी है, सो स्टेप बाय स्टेप वी विल हैंडल ऑल दिस टॉपिक्स। अभी अपनी जो एक रीजन वाइज हिस्ट्री सीरीज है, जैसे हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, वो चलती रहेगी। और जब तक अगले स्टेट की डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं होती, हम लोग हिस्टोरिक फैक्ट्स एंड और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एंड रिलीजियस जनरल नॉलेज के फैक्ट्स पर शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। और अपने चैनल पे हम लोग 4 प्लेलिस्ट बनाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, फैक्ट्स अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज अबाउट रिलीजियंस, कल्चर एंड मैथोलॉजी, और इकोनॉमी एंड बिजनेस। और हम एक एक करके इन प्लेलिस्ट में वीडियोस डालते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, आई होप यू विल सपोर्ट दिस चैनल एज ऑलवेज। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो अबाउट मॉन्यूमेंट्स, और मैंने इस वीडियो में सभी मॉन्यूमेंट्स के लोकेशन भी प्रोवाइड किए हैं इनकेस इफ यू गाइस लव ट्रैवलिंग लाइक मी। तो मॉन्यूमेंट मतलब क्या? एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट फ्रॉम इंडिया डेट्स बैक टू 2nd century बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ये बुद्धिस्ट केव्स यानी गुफाएं है जिसको एक बड़े से पहाड़ जितने पत्थर के अंदर खोदा गया है। यहाँ पर कुल मिलाकर 30 रूम्स यानी गुफाएं है जिसका हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। कहीं पे पेंटिंग बनाई हुई है, कहीं पे कार्विंग्स है, तो कहीं स्टैचूज है। बट दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि यहाँ एक पिलर है जिसको अगर आप हाथों से बजाओ तो वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। और सेकंड, सोचो कि इन गुफाओं में इतना अंधेरा होने के बाद भी उन लोगों ने कैसे बनाया इसको। मैं बताता हूँ, वो लोग पानी किसी चीज में भर के गुफा के दरवाजे के सामने रखते थे और जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उस गुफा में पड़ता और उसकी रोशनी में सभी लोग अपना आर्ट क्रिएट करते। वॉजंट अवर एंशियंट इंडिया अमेजिंग? नाउ द नेक्स्ट वन, हेलियोडोरस पिलर। ये पिलर इंडिया और ग्रीक एम्पायर्स के रिलेशंस का सिंबल है जिसको ग्रीक एम्परर एंटी अलसाइडस के एम्बेसडर द्वारा प्रस्थापित किया गया था जब मध्य प्रदेश में शुंग डायनास्टी के राजा भगभद्र राज कर रहे थे। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ये पिलर चंद्रगुप्त द सेकंड ने भगवान विष्णु जी के लिए बनाया था और इसकी एक खास बात यह है कि ये लोहे का होने के बावजूद भी इस पर पिछले 1600 सालों में जंग नहीं लगा है, थोड़ा सा भी रस्ट नहीं हुआ है। अगर आपको दिल्ली के हिस्ट्री पर वीडियो देखना है तो वो इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चौखंडी स्तूफा, ये गुप्ता एम्पायर द्वारा बनाया गया था जहाँ पर गौतम बुद्ध अपने पहले डिसाइपल्स यानी शिष्यों से मिले थे जब वो बोधगया से सारनाथ तक का सफर कर रहे थे। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम महाबलीपुरम। ये टेम्पल्स पल्लव डायनास्टी ने बनाए थे अपने यूनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करके एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर 400 प्राचीन हिंदू मंदिरों को बनाया गया है। कुतुब मीनार, इट इज द टॉलेस्ट मीनारेट इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ ब्रिक्स जिसको दिल्ली के सबसे पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। कोनार्क सन टेम्पल, ये ईस्टर्न गंगा डायनास्टी के राजा ने बनाया था सूर्य भगवान के लिए जिसका आर्किटेक्चर एक सूरज भगवान के रथ जैसा बनाया गया है। केवड़ा मस्जिद, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट का इस साइट को ठीक से संभाल के रखने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। खुसरो बाग, ये एक बरियल साइट है जहाँ पे जहांगीर की राजपूत पत्नी और उसके सबसे बड़े बेटे की समाधि है। दिस साइट इज ऑल्सो लिस्टेड एज एन इंडियन साइट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। चारमीनार, चारमीनार ये हैदराबाद के लिए एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है। इसके बारे में कहा गया है कि चारमीनार में एक अंडरग्राउंड टनल हुआ करती थी जिसको यहाँ के सुल्तान अपने दुश्मनों से छुप के जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। खूनी दरवाजा, द ब्लडी गेट ऑफ दिल्ली, इसको सूरी डायनास्टी के सुल्तान शेरशाह सूरी ने बनाया है और इसका नाम खूनी दरवाजा इसलिए है कि मुगल सुल्तान बहादुर शाह जफर के 3 बेटों की यहाँ पर ब्रिटिशों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। द टूम्ब ऑफ मरियम उज जमानी। मरियम उज जमानी बादशाह अकबर की वाइफ और मुगल सुल्तान जहांगीर की माँ है। जहांगीर ने ये जगह अपनी माँ की याद में बनाई थी। ताजमहल, वेल एवरीवन नोज अबाउट ताजमहल। ये 7 वंडर्स में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ क्वीन मुमताज के लिए बनाया था। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिंबल ऑफ लव। बट दीज आर ऑल नोन फैक्ट्स। लेट्स टॉक अबाउट सम अननोन। ताजमहल का कलर थोड़ा सा चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लाइट एंड सनशाइन और यहाँ पर हर रोज ऑन एन एवरेज 50,000 लोग ताजमहल देखने आते हैं
और आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि ताजमहल हर फ्राइडे को बंद रहता है। गोल गुंबज, ये बीजापुर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का टूम यानी समाधि है। विजय स्तंभ, ये विक्ट्री सिंबल है जो मेवाड़ के महाराजा राणा कुंभ ने बनाया था जब उन्होंने महमूद गजनी को लड़ाई में हरा दिया था। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। दरिया दौलत बाग एंड ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ द सी ऑफ वेल्थ, द ग्रेट टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर ने ये पैलेस बनाया था और यहाँ से मैसूर पर शासन किया था शॉर्ट पीरियड के लिए। बॉम्बे कैसल, ये कैसल मुंबई के डिफेंस के लिए बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में, और जो सबसे पहले बॉम्बे गवर्नर थे वो इस कैसल की मेन बिल्डिंग में रहा करते थे। मनोरा फोर्ट, ये भी एक विक्ट्री सिंबल है जो मराठा रूलर सिफोजी भोसले ने बनाया था। जब ब्रिटिशों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पेक्ट में ये मनोरा फोर्ट बनाया गया था। आई मंडपम, ये फ्रेंच एम्परर नेपोलियन III के वक्त बनाया गया था जब पौंडीचेरी सिटी को वाटर सप्लाई करने का काम सक्सेसफुल हुआ था। आई नाम की एक महिला ने उस फ्रेंच सिटी को वाटर सप्लाई प्रोवाइड हो इसलिए खुद का घर तोड़ दिया था, यानी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसलिए उनकी याद में यह बनाया गया है। बलाड बंदर गेट हाउस, ये एक मरीन टाइम म्यूजियम है मुंबई का। यहाँ पे आपको उस टाइम के नेवल फोर्सेस, मरीन फोर्सेस जो चीज़ें यूज करती थी अपने समुंदर के सफर में, जैसे एंकर्स, पुराने मैप्स वगैरह जैसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। एंड माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू, इफ़ यू आर अ हिस्ट्री लवर, यू शुड सी सालार जंग म्यूजियम ऑफ हैदराबाद। इट इज़ अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ एंशियंट एंड मिडेवल आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग।